धम्म में दम है, धम्म दमदार है, बहुत बलशाली है, बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, चाहे भारत में है या नहीं है, या भारत में बढ़ रहा है या नहीं, चाहे दुनिया में इसका कोई भी स्टेटस है, मगर धम्म बहुत दमदार है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ धम्म की, ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना और धम्म के बारे में जानना। ये मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है और मेरा कोई पेशा भी नहीं है, मैं अपना समय इसमें देता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है धम्म के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं धम्म का व्यापार करने जैसा महापाप नहीं कर सकता क्योंकि मैं धम्म को जानता हूं। धम्म में व्यापार करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, इसलिए क्योंकि धम्म पीढ़ियों से बिना व्यापार के ही आगे बढ़ा है। जब भी लोगों ने इसको व्यापार में बदलने की कोशिश की है, धम्म ने उनको जड़ से खत्म कर दिया, उनको मॉरली अंदर तक खत्म कर दिया, उनकी पीढ़ियों तक को खत्म कर दिया। खत्म का मतलब है कि वो पाप में और गलत बातों में फंसती चली गई और मॉरली के हिसाब से वो खत्म हो गई, उनकी सुख शांति खत्म हो गई। ये धम्म का प्राकृतिक नियम है और धम्म की ये विशेषता बहुत अपने आप में उत्तम है। इसलिए मैं जब कभी किसी पाणिग्रह संस्कार में जाता हूँ, पाणिग्रह का मतलब है एक हाथ को दूसरे के द्वारा ग्रहण करने का संस्कार, जिसको विवाह संस्कार भी बोलते हैं, तो मैं वहां अमूमन तो जाता नहीं, मगर अगर कहीं मजबूरी ऐसा हो कि कोई नहीं जा रहा है तो मैं चला जाता हूं। तो वहां पाणिग्रह संस्कार यानी शादी कराने के बदले में मैं वहां वर वधु को अपनी जेब से 100 रुपए देता हूं, इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे यहां पाणिग्रह संस्कार के लिए बुलाया और ये मेरी तरफ से उनको उपहार या गिफ्ट है, और मुझे पैसे का लालच भी मन मस्तिष्क में मेरे नहीं आ जाए, इसलिए मैंने इसका नियम बना हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे आओ भगत में कुछ देने लगे और मुझे उसका लालच पड़ जाए और फिर मैं धम्म को छोड़ के शादी कराने का बिजनेस करना शुरू कर दूं, इसलिए मैं अपनी जेब से उनको 100 रुपए का नियम बना के देता हूं, अमूमन तो मैं जाता नहीं। यूट्यूब चैनल पर 60% जो लोग देखते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, वो लगभग वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में हैं और जिनको बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने का बड़ा शौक है, उनका कोई कास्ट से या मजहब से कोई लेना देना नहीं है। 40% के करीब वो लोग हैं जो अपने आप को ट्रेडिशनल या परंपरागत बुद्धिस्ट के रूप में स्थापित करते हैं, या जो खासतौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्धिस्ट लोगों को बताया, वो लोगों की संख्या 40% है। कुछ विदेशी भी अब देखने लगे हैं, जैसे नेपाल से, थाईलैंड से, इंग्लैंड से, अमेरिका से कुछ लोगों की सब्सक्रिप्शन आने लगी है। ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आजकल के दिनों में लगभग 4,500 के करीब सब्सक्रिप्शन है और 4,500 में लगभग 35% 40% लोग रोज देखते हैं, यानी कि 1700-1800 लोग रोज देखते हैं। किसी भी चैनल की सफलता के लिए ये बड़ी बात है कि उसके सब्सक्रिप्शन बेशक कम हो मगर उसके व्यूवर यानी उसको रोज देखने वाले लोग ज़्यादा हों, और उस पर भी जो कमेंट आते हैं वो और भी बड़ी बात है, क्योंकि लोग जिज्ञासा से देखते हैं तो उनके अंदर एक जिज्ञासा आती है, तो अपने प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न ज़्यादा आने लगे हैं, जितने कवर हो जाते हैं मैं कर देता हूँ, बाकी पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न की सही जानकारी देने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं कोई पैदाइशी पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, जितना पढ़ लेता हूँ, जितना समझ लेता हूँ, उतना मैं आपको बता देता हूँ। और भी लोगों ने वीडियोज़ बनानी शुरू की हैं, बाकी सब जो सीख रहे हैं और देख रहे हैं वो भी वीडियो बनाएं, इससे जानकारी लेने और देने में आसानी होगी, मेरा काम भी हल्का होगा और बाकी लोगों को भी जानकारियां बढ़ेंगी, ये और भी ज़्यादा धम्म के लिए और उनके खुद के लिए और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। ये चैनल या कहें तो मैं कभी पैसे नहीं लूँगा क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते, इंटरनेट मेरे मोबाइल में होता ही है जो मैं रखता ही हूँ, आजकल ज़रूरत है सभी की, जैसे रोटी खाते हैं वैसे इंटरनेट भी चाहिए। मोबाइल से रिकॉर्डिंग बढ़िया हो जाती है, इसलिए कहीं कोई खर्चा होना है भी नहीं, समय मेरे पास होता है, अध्ययन मैं कर लेता हूँ, और इसके अलावा जो धम्म है उसकी तो कोई कीमत है नहीं, कोई धम्म की कीमत क्या लेगा और क्या देगा, ये तो अमूल्य है, ये तो उपहार है, प्राकृतिक है, ये तो प्रकृति में है, भगवान बुद्ध ने दिया, हम उनके आभारी हैं, इसलिए धम्म तो अनमोल है। तो इसलिए इस चैनल को कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कुछ लोग जो मानसिक रूप से बंधे हुए होते हैं, वो बार बार मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके ऐसा कहते हैं कि आप इतना बढ़िया धम्म बताते हैं, इतने सरल शब्दों में धम्म बताते हैं, अगर आप ये कपड़े का रंग थोड़ा सा बदल लें, या तो सफ़ेद रख लें, या भगवा रख लें, या कोई चादर लपेट लें, या कोई तिलक लगा लें, या कोई धागा लपेट लें सफ़ेद रंग का हाथ के अंदर,
या कहीं प्रज्ञा का कोई चिन्ह बना लें माथे के ऊपर, या कोई कपड़ा सर पर रख लें, या अपने बैठने का आसन बहुत बढ़िया बना लें, या अपने आसपास कोई मूर्ति, कोई पूजा की सामग्री रख लें, या कोई फोटो रख लें, या कहीं चरण में वंदना करता हुआ कुछ ऐसा इशारा कर लें, या आते जाते कुछ चरण वंदना करें, तो आपकी वीडियोज का ज्यादा असर होगा, लोग आपकी वीडियोज को बहुत ज्यादा देखेंगे, बड़ा असर पड़ता है इन बातों पर। दरअसल बात तो वो सही कहते हैं, क्योंकि अगर आपने दुकान चलानी है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी दुकान के अंदर चमक दमक बढ़िया होगी, आपकी दुकान के अंदर अगर सेल्स मैन की बजाय सेल्स गर्ल्स होंगी, और वो भी मीठी मीठी आवाज में बोलने वाली, कम कपड़ों में, आपकी दुकान के अंदर अगर बहुत ज्यादा लाइटिंग होगी, और आपका प्रोडक्ट अगर अच्छे अच्छे जगह पैकिंग होगा, उनके डिब्बे की जो डिब्बा है उनका, उसकी चमक बहुत बढ़िया होगी, या जो थैला है उसकी चमक बहुत अच्छी होगी, और बताने का तरीका बहुत बढ़िया होगा, और उसके बहुत ज्यादा विज्ञापन होंगे, तो आपकी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। बेशक आपकी दुकान में सामान कैसा भी है, उस डब्बे के अंदर कैसा भी सामान लिपटा हुआ है, वो बिकेगा। वो अलग बात है कि एक बार जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा, या दोबारा आपको और ज्यादा फिर दुकान की चमक दमक बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोग खिंचे चले आए। मगर धम्म में आज तक की हिस्ट्री में किसी ने भी कोई चमक दमक का काम नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी को नहीं कहा कि एक समुदाय बनाना है, या एक ग्रुप बनाना है, या एक मजहब बनाना है, या एक कम्युनिटी बनानी है तो उसका प्रचार करना है, अधिक से अधिक लोग इसमें आ जाएंगे तो हमें राजनीति करनी है, अधिक से अधिक लोग अगर इस फिलॉसफी को जानेंगे समझेंगे तो वो भगवान बुद्ध के और भिक्खु संघ के सपोर्टर होंगे तो उससे वो राजा को चैलेंज कर सकते हैं, या सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, या लोगों को अपना मन मर्जी से घुमा सकते हैं, या दंगे करा सकते हैं, या फसाद करा सकते हैं, या वोट करके जीत सकते हैं। ऐसा कभी भी भगवान बुद्ध के, क्योंकि अगर कोई बुद्ध ऐसा सोचेगा भी तो वो फिर बुद्ध नहीं होगा, कोई संत अगर ऐसा सोचेगा तो संत नहीं होगा, कोई सज्जन अगर ऐसा सोचेगा तो वो सज्जन नहीं होगा, दुर्जन ही होगा। तो भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी को ये कहना है कि आप बुद्ध की फिलॉसफी को सीख लो, या आ जाओ, या मेरे मत में आओ, या मेरे मजहब में आओ, या मेरे संघ में आओ। इतना जरूर वो कहते थे कि अगर कोई जिज्ञासु है, कोई जानकार है, तो ऐही पस्सिको, ऐही पस्सिको का मतलब है कि आओ और इसको अनुभव करो, इसको चेक करो, इसको देखो, इसको चखो। इतना जरूर कहते थे कि एक बार इसको आजमाइश कर लीजिए, आके देख लीजिए। आजमाइश का निमंत्रण वो देते थे, भिक्खु संघ भी कहते थे कि आप देख लीजिए करके, मगर देखने के उपरांत में आपकी इच्छा है कि आप रहें या ना रहें। बहुत लोग भिक्खु संघ में आते थे, फिर वो चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे, ग्रस्त आते थे, ग्रस्त चले जाते थे। छूट है, क्योंकि धम्म जबरदस्त या जबरदस्ती से या मार पिटाई से कभी कोई भी किसी का धम्म परिवर्तित या उसका सोच या उसकी फिलॉसफी को चेंज नहीं करा सकता। अगर फिलॉसफी में दम होगा, अगर उस बात में दम होगा और वो बात सच होगी और वो बात पूरी दुनिया के लिए सच्ची होगी और एक सी होगी, सारे मनुष्य के लिए बढ़िया होगी, तो दुनिया का कोई मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सकता। यही बात बुद्ध के फिलॉसफी में और जो प्राकृतिक नियम बुद्ध ने बताए धम्म, यही बात है, क्योंकि उसमें उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए जो रास्ता था वो देखा कि मन कैसे काम करता है, मन कैसे दुखों से मुक्त होता है, और मन से कैसे खुशी उत्पन्न होती है, और कैसे मनुष्य खुश रहना शुरू कर देता है। और खुश तो सभी रहना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया का डॉन है और पूरी दुनिया का माफिया है और पूरी गॉड फादर है, वो भी ये चाहता है कि उसका पुत्र गॉड फादर ना बने, उसका जो पुत्र है वो डॉन ना बने, उसका पुत्र क्रिमिनल ना बने, और उसकी बेटी की या उसके बच्चे की जो शादी हो वो किसी सज्जन परिवार में हो, सुख और शांति वाले परिवार में हो। चोर भी ये चाहता है कि जो चोर है उससे उसका कोई रिलेशन ना रहे, वो दिन में उससे मिलना पसंद भी नहीं करता, बेशक रात को वो सब एक हो जाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं कहलवाना चाहता कि वो चोर है, गलत काम है, मन को दुख देता है, अशांति पैदा करता है। जो एक बहुत ज्यादा क्रूर कोई राजा होगा वो भी ये चाहता है कि लोग उसको अच्छा बोलें, और वो इस अच्छे बनने के चक्कर में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा क्रूर काम पर चला जाता है, अंततः वो फंसता चला जाता है और उसी में डूब के मर जाता है। तो बुद्ध ने इन बातों को समझा, इनको अनुभव किया, इनको देखा, लोगों को बताया, तो दुनिया के सारे मनुष्य के लिए ये बात है। एक सिंगल आदमी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जो ये कह देगा कि बुद्ध तेरी फिलॉसफी यहां गलत है, ये मनुष्य मनुष्य में भेद पैदा करती है, ये मनुष्य के लिए सुख शांति के लिए नहीं है, ये मनुष्य को दुख देती है। एक भी मनुष्य पूरी लाइफ में जब से बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी बताई है, एक सिंगल आदमी का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा आपको, एक लाइन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इसलिए धम्म बहुत दमदार है, इसलिए धम्म के अगेंस्ट में जो बोलता है वो खुद ही खत्म हो जाता है। धम्म को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धम्म का काम खत्म करना है भी नहीं,
धर्म का काम लोगों को सुख शांति और बचाने का और जीवन देने का है। इसलिए दुनिया में जब कभी बहुत ज्यादा झगड़े हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा वेपन आ जाते हैं, जब मारा मारी बहुत होती है, जब व्यापार के लिए झगड़े होते हैं, कत्ल होते हैं और हथियार चलते हैं, बम चलते हैं, या महामारी आती है, उसके बाद लोग फिर बुद्ध के इस फिलॉसफी को ढूंढते हैं, चाहे बेशक बुद्ध के नाम से ढूंढें या ना ढूंढें, मगर वो शांति ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं और सुख और शांति की जो तरीका है उसको ढूंढते हैं। पूरी दुनिया में बुद्ध बहुत दमदार तरीके से अपनी फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किए हैं और सारी दुनिया में वो जो फिलॉसफी है वो चलती है। अब तो यूके और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, सभी जगह ये फिलॉसफी बहुत तेजी से फैलती जा रही है, लोगों को समझ में आता जा रहा है, क्योंकि ये सारी भाषाओं में और ये बहुत सिंपल है, एक आम आदमी भी इसको बता सकता है, एक आम आदमी भी ग्रहण कर सकता है। इसमें आडंबर की आवश्यकता नहीं है, इसमें कपड़े पहनने की, रंग बिरंगे कपड़े पहनने की, या कोई चिन्ह लेना, या कोई मूर्ति लेना, या कोई पूजा पाठ करना, या मोमबत्ती जलाना, या अगरबत्ती जलाना, या धूपबत्ती जलाना, या कहीं किसी का गुलाम होना, या स्लेव होना, या किसी को गुरु बनाना, ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। इसमें सिंगल शब्द भी कहीं गॉड का नहीं आता, मनुष्य से आरंभ होती है और मनुष्य पे खत्म हो जाती है। इसलिए जैसे कपड़े पहन के, चाहे मेरे पास चश्मा है या टोपी है या बाल बड़े हैं या छोटे हैं, चाहे मैं नहाया या नहीं नहाया, या धोया या नहीं धोया, शक्ल काली आती है तो ठीक, बात से मतलब है, क्योंकि नारियल के छिलके में कुछ नहीं रखा, नारियल का छिलका फेंक दीजिए उतार के, सार में जाइए, मेरी शक्ल सूरत कैसी है, मैंने कपड़ा कैसा पहना है, मैं बता जो रहा हूँ वो किस भाषा में बता रहा हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं बता रहा हूँ वो सच है या नहीं है उसको अनुभव पे आप देखिए। नारियल का पानी पीजिए, क्योंकि पानी सारे नारियलों में एक सा होता है, उसका स्वाद एक सा होता है। 2003 तक मैं बुद्ध का अंधभक्त था और पूरा आडंबर पे चलता था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं और मेरे पास कोई रास्ता था भी नहीं, जितना मुझे बचपन से मिला उतना मैंने देखा। तो मैं भी बड़ी धूपबत्ती और मोमबत्ती और अगरबत्ती जला के और बुद्धं शरणं गच्छामि और बुद्धं शरणं गच्छामि और बुद्धं शरणं गच्छामि क्या करता था। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि बुद्धं शरणं गच्छामि का क्या मतलब होता है, क्या नहीं। पाणाति पाता वेरमणि खूब रटा मैंने, खूब जाना बचपन से, जैसे जैसे सामने वाले ने बोला मैंने वैसे वैसे पीछे से बोलता चला गया। कई बार मैंने पूछा कि ये जो आप बोलते हैं इनका मतलब बताइए, मुझे किसी ने मतलब भी नहीं बताया। 2003 में मैंने विपसना की, क्योंकि विपसना का मैंने एक वीडियो बनाया वो देख लें आप। विपसना के बाद मेरी अंधभक्ति जाती रही, फिर मैं धम्म को देखने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर बुद्ध को देखना है, बुद्ध को अनुभव करना है, बोधि को जानना है तो धम्म को देखो, धम्म को देखने से उसका अनुभव होता है। तो मुझे अनुभव होना शुरू हुआ विपसना होने के बाद। फिर मैंने बहुत लोगों को, अपने परिवार को भी इस धम्म का स्वाद चखाया और बहुत लोगों को मैंने भेजा। तब मैं कोशिश करता था कि अधिक से अधिक लोग इस धम्म को चखें, इस धम्म को देखें और विपसना में जाएं। बाद में ये मीडिया का माध्यम आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, तो मैंने इससे लोगों को जागरूक करना, लोगों को सिखाना, लोगों को बताने का काम आरंभ किया। और अब तो बहुत भी आसान है, आप एक वीडियो बना लीजिए और वो पूरी दुनिया में चली जाती है, जिसको देखनी है वो देख लेगा, जिसको नहीं देखनी है उसके तो सामने आप खुल के भी बैठ जाओगे, वो नहीं देखेगा, क्योंकि उसका मन उसमें है ही नहीं। इसलिए धम्म को एक बार जरूर जाके देखें, ऐही पस्सी को, जैसे भगवान बुद्ध कहते थे, तथागत बुद्ध कहते थे, सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बनने के बाद कहते थे, ऐही पस्सी को, आओ और देखो। धन्यवाद।